यही वो रोड है जहाँ पे पिछली बार हम अपनी गाड़ी लेकर आए थे, जहाँ पे पंडित जी ने बोला था जानवर होते हैं सारे। क्या बड़ा भाई, किसी का शायद हड्डी पड़ी है यहाँ, पक्का भाई जानवर तो है ही। ओए 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 भाई, मैं तो नीचे नहीं जाऊँगा। अबे भाई साहब, भाई कोई धक्का देना तो सीधा आदमी नीचे जाए, खतरनाक भाई। सबके पीछे मधुमक्खी भाग रही है सब इधर से उधर। ये हुआ कैसे, क्या हो गया भाई? ओ इसके पीछे हकीकत में भाई, अरे हाँ भाई भाई गिर गया वो, देख कहाँ से जा रहा है पार चढ़ चढ़ के। देख ओ भैया के पास भी आ गई, ओ फोन गिर गया, ओ शिट। अरे भाई चल चल। ओ भाई साहब गल्प गए, गल्प आना, अरे जल्दी आ यार। नहीं यार छोड़, जल्दी आ जा, जल्दी भाग। ओए मेरा हेलमेट। आगे पीछे मधुमक्खियां हैं, हाथ में काट जाने सब घुस गए। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक और संडे राइड आ चुकी है गाइस, और आज हम जा रहे हैं अतनी कुंड, और अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30। तो अभी फटाफट से हम जा रहे हैं अतनी कुंड, हमारे भाई लोग सारे जलमहल पे हमारा वेट कर रहे हैं, तो फटाफट से उनके पास चलते हैं और अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आपको पता ही होगा, प्रीवियस व्लॉग अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि हम जब अतनी कुंड गए थे तब हम वहाँ से वापस आ गए थे, क्योंकि हम अकेले थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था, सुनसान जंगल में हम फंस चुके थे। आज फाइनली हम सारे के सारे जा रहे हैं अतनी कुंड, ताकि मैं भी इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर सकूँ अच्छे से अतनी कुंड को, इसलिए मैं भी आज जा रहा हूँ उनके साथ, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक दिन चलेंगे भैया और सबके साथ चलेंगे। तो फटाफट से जाते हैं, सारे भैया वेट कर रहे हैं हमारा, वो तो उनके साथ जाएंगे अच्छे से। आज हम पूरा प्रॉपर अतनी कुंड एक्सप्लोर करेंगे, जिस जंगल से हम वापस आए थे उस जंगल में वापस से जाएंगे, और पूरा एंड तक जाएंगे, 2.5 किलोमीटर का पूरा जंगल है वो, तो पूरे जंगल में जाएंगे। और जो मेन अतनी कुंड है एक्चुअल में, जो मैं आपको एक्सप्लोर कराने के लिए लेके गया था, तो वो ही अतनी कुंड हम वापस से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं और आज एक्सप्लोर करते हैं अतनी कुंड को। तो लेट्स गो गाइस, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज, राइड करने का अलग ही लेवल है भाई। ऑल राइट गाइस, तो का हम वेट करते हैं यहाँ पे, रुक के फिर निकलेंगे यहाँ से हम अतनी कुंड के लिए गाइस, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है, जो हमारे भाई लोग थे राइडर्स थे जो हमारे साथ बाइक पे आने वाले थे, तो किसी सिचुएशन की वजह से वो सारे वापस जा चुके हैं। अभी मैं हूँ, मेरे पीछे मेरे दो भाई हैं जो अपनी एक ही बाइक पे हैं, और बाकी हमारे 2-3 भैया हैं जो अपनी कार में आए हैं। तो आज हम राइड उनके साथ ही करने वाले हैं, और उनके साथ ही हम आज अतनी कुंड जाने वाले हैं। आज पूरा अतनी कुंड उनके साथ ही एक्सप्लोर करेंगे अपन। तो जल्दी से चलते हैं नारगढ़ फोर्ट के ऊपर और चलते हैं अतनी कुंड। तो लेट्स गो गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड एक्सप्लोर करने के लिए अतनी कुंड। ये तो भाई अलग ही, सब कार से निकल के आराम से अपना संडे राइड एंजॉय कर रहे हैं भाई सारे के सारे। देखो आए हाय, ऑलराइट गाइस, फाइनली है वी आर एट चरण मंदिर, जहाँ पे हमको आना था, जहाँ से निकलता है अतनी कुंड का रास्ता। तो पहले हम गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो गाड़ी पार्क कर दी है हमने यहाँ पे, तो भैया गए हैं गाड़ी पार्क करने, आ जाए फिर चलते हैं अतनी कुंड। अतनी कुंड का रास्ता यहाँ से निकलता है, चलते अंदर, लेट्स गो। ये है चरण मंदिर, यहाँ से निकलता है अंदर अतनी कुंड का रास्ता। ऑलराइट गाइस, तो आज यही वो रोड है जहाँ पे पिछली बार हम अपनी गाड़ी लेकर आए थे जी। इस तो ये वही जगह है जहाँ पे पंडित जी ने बोला था जानवर होते हैं सारे, पर आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज भैया और हमारे साथ हैं, तो आराम से इनके साथ जाएंगे अतनी कुंड। ये पूरा रूट जाता है 2.5 किलोमीटर, तो आज कोई जानवर वानवर की दिक्कत नहीं है। आज इस पहाड़ी इलाके में हम जाएंगे, गर्मी तो लगने वाली भाई, हालत तो ख़राब होगी क्योंकि थोड़ा ट्रैकिंग है। चलते हैं भैया और के साथ, इन्जॉय करते हैं, भैया पूरा सामान लेकर आए हैं अपने साथ,
अभी तो ढलान से नीचे जा रहे हैं, अभी ऊपर भी चढ़ना है हमको पहाड़ियों पे। गाइज इस जगह पे मैं पहली बार आ रहा हूँ, पिछली बार आने की कोशिश करी थी अकेला पर नहीं आ पाया था, पर अब फाइनली जा रहे हैं हम हथनी कुंड। मैं जयपुर में रह के यहाँ पे किसी को नहीं पता कि भाई हथनी कुंड है कहाँ पर, हथनी कुंड जगह कहाँ पर है, पर आज फाइनली हम जा रहे हैं तो अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ बता दूँगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है कैसे है। तो बस मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ बढ़िया सा और आपको दिखाते हैं और चलते हैं हथनी कुंड की तरफ। ऐसे ही पूरा ट्रैक जा रहा है 2.5 किलोमीटर। आज के मौसम बढ़िया है ना, आए इधर। अच्छा 8-10 को हमने बोल दिया कि इधर है, ये 8-10 से भी ज्यादा। चूल्हा बन रहा है, चूल्हा बन रहा है, नहीं चूल्हा बन रहा है। आप घूमो और कितनी दूर है यहाँ से? भाई भाई कितनी दूर है यहाँ से? 700-800 मीटर बस। और गाइस तो हम यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से रूट पड़ता है 2.5 किलोमीटर पर भैया बैठे थे उन्होंने बोला कि यहाँ से जाओ, यहाँ से आपको पड़ेगा अप्रॉक्स 600 मीटर, तो यहाँ से चलेंगे। ये क्या बड़ा भाई, किसी का लुका कोई हड्डी पड़ी है यहाँ पक्का भाई, जानवर तो है ही। जैसे पंडित जी पिछली बार कह रहे थे कोई जानवर का लफड़ा है यहाँ पे, अंदर नहीं जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई अभी आपने रिजल्ट देख ही लिया। ये पूरा भरा रहता है गाइस, भाई कह रहा है कि ये सारी चीज़ें पहले भरी रहती थी। भाई कूद गया, ओए 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 गिर गया, बच गया। हरे कृष्णा भाई क्या है ये? फाइनली है वी आर एट हथनी कुंड, ऐसा कुछ व्यू है, आगे जाके देखेंगे एक्चुअल में क्या है व्यू, दिखाते हैं आपको भी। लेट्स गो भाई, आराम से चलना पड़ेगा, गिर ना जाऊँ फिर से। ओ शिट, ओए होए होए, लेग्स लगाइए कल जिम में इसलिए दिक्कत आ रही है आज भाई, बड़ा खतरनाक ही रास्ता है। क्या है, बस यही है क्या? नहीं ऊपर है, ऊपर से। अच्छा वो उधर से सीढ़ियों से, चलो मैं देखते हैं यहाँ से क्या दिख रहा है। अबे भैंस की आँख, गिर रहा हूँ मैं तो हर जगह पे। कुछ है नीचे भाई? नीचे था ये लोग। और गाइस पूरी नीचे खाई है भाई, मैं तो नीचे नहीं जाऊँगा भाई, मेरी आगे जाके दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही। और कह रहे कि पूरा यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, वहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, तो मेरी अभी आगे जाने की तो हिम्मत नहीं हो रही। और झरना वरना तो बस अभी तो कोई बह नहीं रहा है यहाँ पे, तो कहते कि यहाँ से झरना बहता है और यहाँ नीचे निकलता है, तो पता नहीं भाई ये एक्चुअल में है कि नहीं है, पर हिम्मत करता हूँ, देखता हूँ आगे जाऊँ, आगे से दिखाता हूँ आपको। साइड साइड में से निकल जाता हूँ क्योंकि नीचे तो जाके दिखाना है आप लोग। पहले भी गिर गया यार मैं पीछे, कोशिश तो कर सकता हूँ। हाँ बस ऐसे खड़े रहो, हट जाओ हट दो, यहाँ आऊँगा। क्या है यहाँ पे? अबे भाई साहब, ऑलराइट गाइस तो ये है कुछ खाई भाई, यहाँ झरना कहाँ से बहता है ये तो हमको भी नहीं पता, पर लोग वहाँ से चढ़ के आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं नीचे, और नीचे भाई लोग सारे बैठे हुए हैं भाई, कोई धक्का देना तो सीधा आदमी नीचे जाए, खतरनाक गंदा ही सीन है भाई, यहाँ तो पीछे हो जाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं भैया? छोटी सी गलती बहुत बड़ी पड़ जाती है। वे झरना कहाँ है? झरना बोल के लाया था तू यार, कुछ है ही नहीं, इधर ही बहता था यहाँ लोग। ओ शिट, ऑलराइट गाइस तो कहा जाता है कि झरना यहाँ से ही कहीं से नीचे बहता था, तो यहीं बैठेंगे शायद थोड़ी देर, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। झरना तो बह नहीं रहा यहाँ पे, करने का मतलब हाँ भाई ये है कि अच्छी खासी ट्रैकिंग हो जाती है और कुछ भी नहीं है। हम अच्छा है 2.5 किलोमीटर का रूट पकड़ के नहीं आए, हम शॉर्टकट लेके 600 मीटर से ही आ गए यहाँ पे। लो
गाइस तो यहाँ सारा सेटअप हो रहा है और अभी बनाएंगे इस पे चाय बढ़िया। और वो रहा हमारा बैग जिसके अंदर सारा सामान रखा है। अभी भाई लकड़ी ढूंढ रहा है, लकड़ी ढूंढ ले उसके बाद जलाते हैं इसको, चाय बनाते हैं इस पे। भाई इसको रखने की जगह नहीं मिली, सब हो जाएगी मैं कह रहा हूँ। और गाइस तो फाइनली हमारा चूल्हा जल चुका है और सारा काम सही है। भाई हमारा बैठा है, सारे भाई बैठे चाय पीने को रेडी है। ऊपर एक दो बुकिंग और कर दिया हमने लोगों की, सबको चाय बेचेंगे अब हम। मसाला चाय पत्ती ये बाग बकरी चाय है, बाग बकरी चाय डालो। कितने कप चाय बनेगी है? ये चलेगी कम से कम 20 कप चाय अपनी। गाइस तो ये कुछ माहौल है और यार चाय बननी है हमारी। ये हमारे भैया, ये सारे हमारे कस्टमर है। हर हर महादेव। झाड़ी लिया है पूरा भाई साहब। वो शार्क टैंक में उसकी एक टांग है, उसने सारा पता है एम्पायर खड़ा कर दिया। तू यहाँ जा नहीं सकता। मेरे पापा पैसे वाले नहीं है ना, कर देंगे पापा। 5 minutes later प्रॉपर आता है भाई। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द, बहुत दर्द होता है। मधुमक्खी क्या होता है ये भाई? लाल हो गया बहुत। क्या होता है? अच्छा बहुत दर्द होता है भाई, बहुत दर्द। भाई बंदा क्या हो गया? मधुमक्खी का भी इनको, इनके जल्दी जाओ, जल्दी जाओ इनके पास। जल्दी जाओ, चलना पड़ेगा अपन को भी। क्या हुआ? बाकी गए भैया तो भाग रहे भाई। ले ले चाय ऊपर ले, चाय ऊपर ले। क्या कॉमेडी सोच रही कॉमेडी। और ये क्या सीन है भाई, उनके पीछे मधुमक्खियां क्यों पड़ गई? टाट में शहद है। उनकी टाट में शहद है, मजाक नहीं भाई, वो सीरियस हो गए थे एंड में। तो ये क्यों भाग रहे? तेरे पीछे भी आ रही है क्या? ये क्यों गया? क्या हुआ? भाग क्यों रहा है? ये भी भाग रहा है भाई। तू तो अपनी चाय बना। चाय बन गई, पीने वाले भाग गए। अपन 3 ही बचे हैं अब चाय पीने वाले। भाई सबके पीछे मधुमक्खी भाग रही है, सब इधर से उधर। ये हुआ कैसे, क्या हो गया भाई? पूरा जा लिया अपने पास। तो अब अपन ही अपन है मधुमक्खी के बीच में। अब भाई पता नहीं क्या। ओए धीरे भाई, क्या कर रहा है तो वहां जा। ओए ओए उसके पीछे हकीकत में भाई। अरे हाँ भाई कल। ओए भाई उसके सच्ची में भाई पूरी बॉडी में उसके चढ़ गई है मधुमक्खी। हमारे कुछ नहीं हो रहा भाई, हमारे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा भाई। गिर गया वो, देख कहाँ से जा रहा है, पहाड़ चढ़ चढ़ के देख। वो चिल्ला रहा है भाई, वो देख जा रहे सारे के सारे चढ़ चढ़। 5 minutes later वो भैया के पास भी आ गई। वो फोन गिर गया। ओ शिट कल चले भाई, छोड़ अपने पास ना आ जाए। चलो भाई सही बोल रहे थे वो। चल सुन छोड़, भाई पतीला वापस ले लेंगे। छोड़ 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 बहुत पतीला वापस ले लेंगे। वो मेरे पास भी आ गई। शिट बड़ी बात नहीं है, चाहे दुनिया जान है तो जान है। कल समझ आ जा, छोड़ दे यार। अरे भाई चल चल। ओ भाई साहब, अरे यार शिट शिट आ गई भाई, आ गई। चलो वो पकड़ना भाई, दो दो दो। कल्प गए? कल्प अरे जल्दी आ यार, आ जा। नहीं छोड़ दे सब, नहीं यार छोड़ जल्दी, आ जा। बैग उठा ले मेरा बस। अरे यार मेरा छोड़ दे, बैग उठा, बैग उठा। आ गई यार जल्दी चल यार, जल्दी भाग। ओए मेरा हेलमेट। अरे यार इसकी, अबे जाओ ना। क्या हुआ? अबे यार चल चल आ जा। अरे यार
शिट कल भाई लाल हो जाऊंगा पूरा भाई, पीछे नहीं छोड़ दी वो भाई मेरा हेलमेट और भाई मेरी बिल्कुल हालत नहीं हो रही, मेरे आगे पीछे पूरी मधुमक्खियां हैं, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, लाल लाल हो गया हाथ वहाँ मैं कांटे आटे सब घुस गए भाई, पूरा लाल कर दिया। क्या हुआ मेरे पूरे चेहरे पे कर गया यार, पूरे चेहरे पे जलन मच रही है, हैं? हाँ बाहर निकल के करूँगा, लाल थोड़ी हुआ है, हाँ यार पूरा मुंह पानी से धोऊं नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी भाई, बहुत काटा है, बहुत दर्द हो रहा है फेस में। ठीक है ना, ये सूझ गया ना, सबसे पहले आप पे अटैक हुआ भाई, बहुत गंदा सीन है मेरे साथ तो, पूरा चेहरा दर्द कर रहा है मेरा। मजाक समझ बैठ अंकल, एक पानी की बोतल देना, ठंडी है ना। और गाइस तो मैंने मुंह वगैरह धो लिया, अब यहाँ से निकलना है भाई क्योंकि बहुत ख़तरनाक सीन है। इस तो डॉक्टर के पास आ गए, दिखा देते हैं फटाफट से और चलते हैं फिर घर पे यार।